लोकसभा चुनाव साल 2019 के एग्जिट पोल के आने के बाद और भी ज्यादा मुश्किल लगने लगा है नतीजे का इंतजार करना, क्योंकि जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में मत अलग अलग पार्टियों के लिए पक्ष में है। जी हाँ, बात करें अगर सत्ताधारी सरकार की यानी कि एनडीए सरकार की, तो एनडीए सरकार को यूपी में बहुमत मिलेगी या फिर गठबंधन भारी पड़ने वाला है। इस बार एनडीए सरकार के लिए यूपी में इस पर सवाल या निशान लग चुका है, क्योंकि अधिकतम वोट तो बीजेपी के पक्ष में माने गए। लेकिन फिलहाल ऐसे भी कुछ एग्जिट पोल तैयार हुए हैं जिसके मुताबिक गठबंधन फिर ताकतवर बनी है। जनता एक मौका फिर गठबंधन को देना चाहती है। सीएम योगी का बजरंग अली बली वाले विवाद ने काफी ज्यादा मुस्लिमों को उनके खिलाफ किया है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी पर भी सवाल उठा। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। आज एसपीएन 9 न्यूज की तरफ से मैं तृप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ इस खास रिपोर्ट को। जी हाँ, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। चलिए आपको बता दें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में कैसे बीजेपी की हार से पर्दा उठता हुआ नजर आया है। जो बयान सामने आया है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जीत एक बार फिर से दिग्विजय सिंह पक्की करना चाहते हैं और इसी पर उन्हें उम्मीद है और इसका पूरा उन्हें भरोसा है। मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने एक खास बातचीत मीडिया से की एग्जिट पोल के बारे में, मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 14 से 17 सीट मिलने वाली है, ये उनका पूरा का पूरा दावा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में साल 2004 जैसा माहौल इसलिए हो गया है और मुश्किल है कुछ कहना पाना। 23 तारीख को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगी स्थिति, लेकिन एग्जिट पोल के बारे में जब बार बार उनसे सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह ने बताया वो प्री और पोस्ट पोल सर्वे पर विश्वास नहीं रखते, जो कह रही है कि बीजेपी को भारी बहुमत मिलने वाली है एमपी में। लेकिन उनका ये कहना है कि वो पोल पर भरोसा तभी करते हैं जब जनता के पोल की बात होती है, और वो तो 23 मई की तारीख को होने वाले मतदान पेटी के खुलने के साथ ही सामने आने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के भोपाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के बारे में लगातार ही अविवादित टिप्पणियां जो आई, जिसके बाद बीजेपी की हार को बार बार मुकाम तक लाने के लिए कांग्रेस लीडर को बड़ी ताकत मिली और इस कमजोरी को पकड़ने के लिए बड़ा मौका मिला। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव को लेकर कहा निश्चित तौर पर वही जीत रहे हैं। जी हां, दिग्विजय ने कर दिया है जीत का खुलासा। भोपाल सीट पर टक्कर को लेकर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कोई और उम्मीदवार होता तो ये लड़ाई मुश्किल हो जाती उनके लिए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा से जितना आसान है। वहीं आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये जानकारी मिली है कि देश में मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जन जन में बसे हुए हैं। वे मोदी ने देश का मान सम्मान विदेशों में खूब बढ़ाया, खूब इज्जत बटोरी है, जिसकी वजह से जनता उन पर भरोसा करती है और चाहती है एक बार फिर से मोदी सरकार बने और एक बार फिर पीएम मोदी को मौका मिले, और यही निर्णय जनता का है। ये पलटवार शिवराज सिंह का है दिग्विजय सिंह के खिलाफ। तो वही गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व बात करें सीएम की, तो उन्होंने बीजेपी को अकेले 300 के आसपास सीटें मिलेगी इसी बात का उन्होंने वादा किया है। एनडीए को 350 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, ये भी बातें आई है सामने एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। तो वही मध्य प्रदेश में बात करें अगर इस बार की सीट जीतने को लेकर, तो मध्य प्रदेश में
28 या 29 सीटें भी मिलने वाली हैं बीजेपी को, लेकिन इसी पर दिग्विजय ने पलटवार कर साध्वी को उनकी कमजोरी बता दिया। SPN 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।